हेलो एवरीवन, मैं हेमा, हेमा की रसोई में स्वागत है आप सबका दिल से हमेशा की तरह। लीची का सीजन चल रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लीची की कोई डिश ना बने। आज मैं बना रही हूँ लीची संदेश। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया सा लग रहा है ये, और इसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो जल्दी से लीची का संदेश बनाइए और हमारे साथ रसोई में चलकर इसकी रेसिपी जानिए। अभी देखा आपने लीची संदेश कितनी बढ़िया स्वीट लग रही थी, और बनाना इसको बहुत ही आसान है। लीची बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, इसलिए ऐसा लगता है कि लीची की कुछ स्वीट डिश बना ली जाए। कल मेरे घर किटी है तो मैंने सोचा इसको बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि इसको कम से कम बनाकर 2 से 3 दिन तक हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये मैंने गाय का दूध लिया है, इस गाय के दूध को मैं गर्म कर कर आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। दूध हमारा उबल गया अच्छे से, अब हम क्या करेंगे, नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। देखिए और इसको धीरे धीरे चलाएंगे तो दूध जो है हमारा अच्छे से फट जाएगा और ये छेना बन जाएगा। देखिए वो कर अच्छे से डाल दिया है, ये दूध हमारा जो है वो फटने वाला है, तो इससे मैं छेना बनाने वाली हूँ। देखिए दूध एकदम फट चुका है, बढ़िया से एकदम हो गया है। इसको मैं क्या करूँगी, छान लेते हैं, गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को छान लेंगे। दस मिनट इसको रेस्ट करने देते हैं, इसको एकदम ठंडे पानी से धो लेंगे। और ये जब तक हमारा छेना तैयार हो रहा है, जब तक मैंने पूरी लीचियों को छील लिया है, छील कर इसके बीज निकाल कर रख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। छेना हमारा रेडी हो गया है और मैंने इसके सारे बीज निकाल के रख लिए हैं। देखिए इसको स्टफ़ करने के लिए, तो अब हम तैयार करते हैं स्टफिंग। तो ये छेना हमारा बन के तैयार हो गया है, इसी में डाल दूँगी मैं पिसी हुई इलायची, इलायची वाली जो शक्कर है वो डाल दी मैंने, और इसी में डाल दूंगी करीब 4 बड़े चम्मच शक्कर पिसी हुई। ये देखिए लीची तो अपने आप में काफ़ी मीठी होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल दूंगी मैं इसमें मिल्क पाउडर, और एक ड्रॉप डाल रही हूँ मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस, ज़्यादा नहीं, बस एक ड्रॉप बस। इसको मैं अच्छे से फैट लेती हूँ। ये देख रहे हैं स्टफिंग हमारी अच्छे से रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक अपनी स्ट्रॉबेरी लेंगे और इसमें अच्छे से इसको भर देंगे। देखिए इसको अच्छे से भर देंगे, और भर के इसमें थोड़ा सा पिस्ता का ये लगा देंगे। देखिए वाह, दिख रही है आपको कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये ऐसे बना बना कर हम रख लेते हैं। अगर ये सेट नहीं हो रही है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक टूथपिक लगा देंगे जिससे कि हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी, और इसको रख देंगे फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। देखिए बन के एकदम रेडी हो गई। देखिए दिख रही है आपको कितनी बढ़िया दिख रही है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लीची के साथ, वाह बहुत ही बढ़िया सा लगने वाला है। तो मैं ये बना बना कर पूरा रख लेती हूँ। लीची संदेश बन के एकदम रेडी हो चुके हैं, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इनको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, और गार्निश करके इसको फ्रिज में करीब 2 घंटे के लिए रख देंगे। बंगाली मिठाई हमेशा ठंडी ही अच्छी लगती है, ये आपको पता ही है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। तो ये गार्निश करके मैं सारे को अच्छे से रख देती हूँ फ्रिज में, और इसको 2 घंटे बाद इसकी हम करते हैं प्लेटिंग। तो तैयार है मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लीची वाला संदेश। ये है लीची संदेश, जो कि देखने में भी बहुत यम्मी है और खाने में भी बहुत यम्मी लगने वाला है। तो फटाफट से मेरी रेसिपी को फॉलो करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक एंजॉय लीची।